सीएम वसुंधरा राजे आज से दो दिन के दौरे पर झालावाड़ पहुंचेगी। आज झालरापाटन में सीएम एक जनसभा करेंगी, साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगी। दोपहर 2 बजे राजे रायपुर के लिए रवाना होंगी, जहां एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगी। बीजेपी नेता अखिलेश तिवारी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। तिवारी ने कहा है कि पंडित दीनदयाल की पार्टी को दलालों की पार्टी नहीं बनने दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने घनश्याम तिवारी पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। प्रदेश के जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा की एक बार फिर से जुबान फिसली है। मीडिया के सवाल पूछने पर वो अपना आपा खो बैठे और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मीणा ने रिपोर्टर को पाकिस्तानी और कांग्रेसियों को शराबी तक कह डाला। कोटा में जी राजस्थान न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस को फॉलो न करने पर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेसी पार्षदों ने निगम के भ्रष्ट चेयरमैनों की आउट हुई ऑडियो सीडी एसीबी को सौंपी है। इससे पहले वाल्मीकि समाज ने भी निगम में करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोला था और करप्शन की एसीबी से जांच की मांग की थी। जी राजस्थान न्यूज के खुलासे के बाद तीनों सफाई चेयरमैन पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। नागौर जिला मुख्यालय पर 23 दिसंबर को किसान सम्मेलन होगा। सम्मेलन में ग्राम विकास, सामाजिक सद्भावना, स्किल डेवलपमेंट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कई धर्मगुरु और कारोबारी भी हिस्सा लेंगे। अलवर की चेतन एनक्लेव कॉलोनी में सर्दियों में भी पानी का संकट बना हुआ है। कॉलोनी के निर्माण से अब तक पेयजल योजना मंजूर नहीं हो पाई है। मजबूरन लोगों को निजी खर्च पर पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद भी लोगों ने अनदेखी का आरोप लगाया है। राजधानी जयपुर में ब्लूटूथ के जरिए एसएससी की परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ है। नकल करने वाला छात्र गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े जाने पर आरोपी छात्र ने ब्लूटूथ से सिम निकालकर चबाने की कोशिश की थी। नवीं और दसवीं के पेपर लीक मामले पर खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। 23 दिसंबर को दोबारा परीक्षा होगी। डीईओ सेकेंडरी ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की घोषणा की। झुंझुनू जिले में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। अब गांव-गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव की ही महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस अभियान के तहत टोंक में जिला परिषद सदस्य खुशबू कंवर समेत 6 पंचायत समितियों पर 165 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अजमेर के केकड़ी में पोलियो की दवा पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि जांच के मुताबिक बच्चों की मौत पोलियो की वैक्सीन से नहीं हुई है। धौलपुर के बसई नवाब गांव की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची से 28 जुलाई को दुष्कर्म हुआ था, तब से वो सदमे में थी। परिजनों ने उसके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दुष्कर्म का आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। जैसलमेर के गफूर भट्टा इलाके की रहने वाली एक युवती अपनी मां के साथ 4 दिन से अनशन पर बैठी रही। प्रशासन ने मां की तबीयत बिगड़ने पर कार्रवाई का भरोसा देकर अनशन खत्म कराया। युवती का आरोप है कि उसका शारीरिक शोषण करने के बाद उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। धौलपुर में बसेड़ी विद्युत निगम कार्यालय से एसीबी की टीम ने 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बिजली का बिल कम करने के एवज में एईएन, मीटर रीडर और अकाउंटेंट ने यह रिश्वत मांगी थी। जोधपुर की उदय मंदिर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 जुआरियों को पकड़ा है। सोजती गेट इलाके से पकड़े गए इन जुआरियों के पास से लगभग 11,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक शिक्षक को दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संस्कृत स्कूल के शिक्षक पर 8वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगा था। जोधपुर की उदय मंदिर थाना पुलिस ने एक शातिर कार चोर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चोर कार मालिकों को कार का अच्छा दाम दिलाने के बहाने टेस्ट ड्राइव पर ले जाता था और कार की डुप्लीकेट चाबी बनाकर कार चोरी कर लेता था।
जोधपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस में चूहों का आतंक देखने को मिला। जोधपुर से रवाना हुई ट्रेन के एसी कोच में चूहे की उछल कूद से यात्री परेशान हो गए। एक यात्री ने पीएनआर नंबर के साथ रेल मंत्री और रेल मंत्रालय को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद रेलवे का पूरा महकमा चूहों को पकड़ने में जुट गया। दौसा में गरीब नवाज एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से सनसनी फैल गई। बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर तलाशी ली गई, लेकिन कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। कोटा के नांता इलाके में एक 12 फीट लंबे अजगर ने सबकी सांसें रोक दी। अजगर होने की सूचना पर नगर निगम ने आकर अजगर को काबू में किया।